अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको नागहानी आफात और मुझी अमराज से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। जी तो अभी आपने देखे कुछ क्लिप्स मेरे इस लिविंग रूम के, जो इससे पहले सेटिंग थी वो मैंने आपको दिखाई, और ये लास्ट वीडियो में मैंने आपको सोफ़ा डीआईवाई करना बताया था, जो कि मैंने एक छोटे ट्रंक से किया था। और अगर आप इसकी डिटेल देखना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और अब ये बाकी जो जगह बची है लिविंग रूम की, इसको जो है मैं सेट करूँगी विदाउट एनी सोफ़ा। फ्लोर सिटिंग हम करेंगे, और फ्लोर सिटिंग में हम ऐसी अरेंजमेंट करेंगे कि वो आपको एल शेप में सोफ़ा ही लगेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए चाहिए होंगे हमें दो मैट्रेसेस फ्लोर पे बिछाने के लिए। सिंगल बेड से थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, बाज़ार में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो है वो कोई भी रुई का दो गद्दे ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें मैंने कवर चढ़ाया है और साइड पे ज़िप लगाई हुई है। इससे ये फ़ायदा होता है कि कवर आप इजीली उतार के वॉश करके दोबारा से इसको जो है वो कवर अप कर सकते हैं। अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो गद्दे के ऊपर कोई भी बेडशीट से इसको रैप कर देते हैं। तो इस तरीके से गद्दे को रैप करने से ये होता है कि जब आप करते हैं, बैठते हैं उसके ऊपर, तो वो बेडशीट जो है वो ख़राब हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है, तो वो बहुत अजीब सा लगता है। तो इस तरह से अगर आप कवर सी लें तो वो बहुत ईजी रहेगा। अभी तो ये मेरे पास कवर्स जो है वो तैयार थे, पड़े हुए थे पहले से, और मैंने ख़ुद ही सिए थे। आइंदा इंशाल्लाह जब भी मैंने कवर्स सिए, अगर किसी ने सीने देखने हो तो मैं आइंदा अपनी किसी वीडियो में आपको ये सी कर भी दिखा दूँगी कि किस तरीके से ये कवर सिलते हैं और किस तरीके से ज़िप लगाई जाती है। अब इस मैट्रेस को जो है मैंने इस तरह से बिछा दिया है, दूसरे पर भी मैंने कवर चढ़ा के, और उसको देखिए किस तरीके से बिछाया है के आपको बिल्कुल फील होगा जैसे ये एल शेप बन गई है दोनों मैट्रेसेस की। तो ये एल शेप में हमारी फ्लोर सिटिंग हो जाएगी। कवर आप अपनी पसंद के कोई भी अच्छे से जो है इनके लिए ले सकते हैं, सी सकते हैं घर में। और अगर आपके पास कोई कवर्स नहीं है, या आपको जल्दी है, या आपको घर में किसी गेस्ट ने आना है, तो आप दो एक तरह की बेड शीट्स ले कर उससे भी रैप कर सकते हैं। तो अब इस तरीके से जो है वो मैंने ये दोनों मैट्रेसेस एल शेप में बिछा लिए हैं। अब जो इसके ऊपर के तकिए हैं उसके ऊपर भी मैंने कवर्स जो है वो चढ़ा लिए हैं, और ये कवर्स बहुत इजीली सिल जाते हैं और आप इजीली इनको घर में सी सकते हैं। कवर्स आप देख रहे होंगे कि ये जो सेट मैंने बनाया था तो इस बस मैंने मैचिंग में लिए थे, इसके साथ के नहीं लिए थे, और ये मे बी अभी तो काफ़ी टाइम पहले के हैं, लेकिन ये मैचिंग में ही उन्होंने रखे हुए थे। तो इस तरीके से मैंने अब इनके ऊपर तकिए रख लिए हैं। अगर आपके पास तकिए नहीं हैं तो आप जो है इनके ऊपर जो है कुशंस रख सकते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये अब हमारी फ्लोर सेटिंग जो है वो रेडी हो गई है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर जो स्पेस खाली थी यहाँ पे मैंने टेबल रख ली, और इस टेबल पर मैं बिछा लूँगी एक टेबल क्लॉथ, और राउंड शेप में है ये टेबल क्लॉथ, फ़िलहाल मेरे पास यही अवेलेबल था। और इसके ऊपर ये एक छोटा बहुत ही टाइम पहले का ये मेरे पास मैट पड़ा हुआ है, मैट कह लें आप इसको, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये मैंने इसमें बिछा लिया है। इसके ऊपर मैं रख दूँगी एक टिशू बॉक्स, और ये देखिए ये टिशू बॉक्स है, इसका भी मैंने जो है डीआईवाई किया हुआ है। ये एक ओल्ड मेरे पास टिशू बॉक्स था, बहुत टाइम पहले मरी के रास्ते से मैंने, घोड़ा गली में भी रास्ते में आती है वहाँ पे एक शॉप थी, वहाँ से लिया था, तो काफ़ी ख़राब हो गया था, इसको मैंने फिर से डीआईवाई करके यहाँ पर रख दिया। और अब आप देख रहे हैं कि मैं जो है वो डोर के पे जो रास्ते में जो है वो मैट बिछा रही हूँ। ये मैट भी मेरे पास पहले का ही पड़ा हुआ था, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है ये मैच हो रहा है। तमाम जितनी भी मैंने चीज़ें जो हैं यहाँ पे अरेंज की हैं, ये जी माशाल्लाह से हमारा फ्लोर सिटिंग हो गई है एल शेप में। और अगर आपके पास सोफ़ा नहीं है तो आप फ्लोर सिटिंग कर सकते हैं। हमारे जो पेशावर में जो है वो
फ्लोर सिटिंग ज़रूर होती है, कंफर्टेबल फील करते हैं हम लोग ज़मीन पे बैठकर, सुन्नत भी है, और ज़्यादातर जो है हम सोफ़ा या इस तरह की चीज़ें यूज़ नहीं करते बैठने के लिए। हमारा खाना जो है वो और बैठना उठना जो है इसी तरीके से ज़मीन पर होता है। तो ये आप माशाल्लाह देख रहे हैं, कमरे का लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पर रूम टूर करवाती हूँ। ये है मेरा सोफ़ा कम बेड, ये डबल सोफ़ा कम बेड, और इसकी यही जगह बनती है। इसको मैंने बहुत सी जगह चेंज करके देखी बट इसकी यही जगह जो है वो मुझे परफेक्ट लगती है। ये है जी कंप्यूटर, और नीचे पड़ा है डेक, और ये बॉक्स जो है ये मेरी बेटी ने DIY किया है, और ये मैंने यहाँ पर रख दिया है रिमोट्स के लिए। बीच में पड़ी है मोहम्मद की वीडियो गेम, और दो हैंड फ्रीज जो हैं वो हैंग हुई हुई थी, एक मेरी है एक बच्चों की है। इसके अलावा ये प्लांट है, ये भी आप पहले देख चुके थे, उसी को मैंने रीयूज़ किया है। ये सोफ़ा का DIY है, इसको आप दीवान भी कह सकते हैं, ट्रंक से मैंने इसको बनाया। इसके साथ मैंने रख दी है ये टेबल, इसके ऊपर तो छोटा सा डेकोरेशन पीस रख दिया है, साथ में जो है टिश्यू बॉक्स रख दिया है। फ़िलहाल यही कुछ अवेलेबल था, इसके बाद मैं साथ साथ चेंजेस करती रहूँगी। ये हमारी फ्लोर सिटिंग अरेंजमेंट आ गई है एल शेप में, और इसके साथ ही जो है वो हमने एक शूल एक्सटेंशन लगाई हुई है, साथ में ये स्टैंड लगा हुआ है। यहीं पे जो है हम लोग अपने मोबाइल चार्ज कर लेते हैं, और जो है ये इजी रहता है, बैठे बैठे साथ में ही काम हो जाता है। सामने ये एक फ्रेम लगा हुआ है आयतुल कुर्सी का। तो ये थी मेरी जो आज की वीडियो और मेरे लिविंग रूम का आप कह लें मेकओवर या जो सेटिंग मैंने चेंज की। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, मुझे तो बहुत पसंद आई, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।